So we are here at the Sabai Grass village, and this is the training cum production unit. And we were able to see the ladies out here working. And so let us show you the handmade products made out of the Sabai Grass. এটা হচ্ছে মিঠা মাংস আসছি ছত্তিশগড় মূল আসছি ছত্তিশগড়ে আজি সন্ধ্যা করে দিব সব এটা হচ্ছে হটকেস রুটি রখা যায় এই দিন সবই অর্ডার আসছি এটা বি যাচ্ছে হায়দ্রাবাদ কু যাচ্ছে এটা হচ্ছে ঘর সজাইবা পাই ফুল কোনটা সো লেট আস মিট জয়ন্তী দ্য সুপারভাইজার অফ দিস ইউনিট And let's try to understand what all products you know their unit has been producing and how these products have been produced. Namaskar, my name is Jayanti Mahanto. I am Sabai Grass tiyari doudi tiyari korthile. Bortoman ame Sabai Grass ru ame bibhinna prakar jinish tiyari kori paruche. First ame hocche processing koruche je se Sabai Grass ta finishing koruche. Tapore ta ame gonthi koruche. Gonthi korla somoy re taku ame starting koruche. সে স্টার্টিং রো ধর কন্টা মোর হব কস্টর হব কি পেড়ি হব কি পেনস্টা হব কি ফুলচামড়ি হব কি হটকেস হব কি ব্যাগ হব কি রটে বক্স হব কি ম্যাট হব কিংবা সেই অনুসারে সে কাস্টমার অনুসারে আমি সে জিনিস তৈরি করে পারুছে नीलकमल ढाबा में तो ये ढाबा आपका बारीपदा टाउन से अराउंड 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे है जो अराउंड 15 मिनट लगेगा एंड ये ढाबा का स्पेशलिटी ये है कि ये लोग सर्व करते हैं मटन पत्रपोड़ा जो कि बनता है साल लीफ से तो उसका प्रोसेस क्या है हम थोड़ा अंदर जाके जानते हैं तो आपका यहाँ पे स्पेशलिटी क्या है यहाँ का स्पेशलिटी है मटन पत्रपोड़ा है मटन पत्रपोड़ा और मटन पत्रपोड़ा कैसे बनाते हैं आप ये कीमा करके मीडियम पीस करके आता है जहाँ से हम कटिंग करके लाता है तो इसमें से मीडियम कटिंग करके लाते हैं और इसको ला के हम लोग डायरेक्ट कसा बनते हैं मतलब फ्राई करता है अच्छी तरह से फ्राई करके इसमें मसाला सब डालता है कैप्सिकम ऑनियन जिंजर इसमें गार्लिक पेस्ट डालता है परिंडर लीफ डालता है तो इसमें दही भी कॉट थोड़ा डालता है मसाला चाट मसाला आता है गरम मसाला आता है मटन मसाला आता है थोड़ा टैंगी मसाला फ्लेवर के लिए तो सब प्रकार का ये गरम मसाला का पाउडर करके इसमें डालते हैं और गार्लिक जिंजर पेस्ट इसमें मिला के मिलाता है थोड़ा और मास्टर ऑयल डालता है इसमें ये जो लीव्स है ये कौन सा लीव्स है ये लीव साल पत्ता साल पत्ते में आप सिर्फ ये मटन पत्रपोड़ा बनाते हैं कि कुछ और भी बनाते हैं नहीं नहीं मतलब ये मेन फ्लेवर मेन टेस्ट आता है ये साल पत्ते ही आता है ऐसा करना ये साल पत्ते है 5 पीस है इसमें अच्छा 5 पीस है 5 पीस है अच्छी तरह से ऐसा बांधने का ऐसा बांधे को वार वार में बांधने का मीनिंग क्या होता है रस्सी से बांधेगा तो जल जाएगा जलने के बाद टूट जाएगा गिर सकता है अच्छा तो इसका बदले हम लोग वायर से बांधते हैं वायर से बांधेंगे तो जितने भी जल जाएगा तब भी पत्रा पत्थर तो चल जाएगा लेकिन वायर नहीं जल सकता इसको टाइट से ऐसा बांध के ऐसा अच्छे से बांध के ऐसा हवा नहीं जाना चाहिए अंदर तो इसको फोल्ड करके ऐसा अच्छी तरह से बांध के इनको खूब अच्छी तरह चारी बाजू लपेट के ऐसा इसको लॉक करना वायर से ये कौन सा चूल्हा है ये कोयला चूल्हा इसको आप किसके
साथ खाते हैं लोग इसको, प्लेन रोटी का साथ भी आप खा सकते हैं। पखल रहता है अपना, राइस वाटर राइस रहता है, इसका साथ भी बहुत पावरफुल टेस्ट आता है। तो इसको ये एक साइड करने का बाद इसको थोड़ा 15 मिनट का बाद इसको चेंज कर लेते हैं। ये 15-20 मिनट के अंदर ये आपका रेडी। लेट्स ओपन साल लिवस में मटन पत्रोपोडा। ऑसम ऑसम, लुक्स डेलिशियस एक्चुअली लुक्स डेलिशियस। वी कैन एक्चुअली फील दैट अरोमा कमिंग इन फ्रॉम दिस साल लिव। दिस हैव अ ट्राई। Really yummy guys. Mutton pieces are juicy and I can sense the aroma of Indian masalas, that the touchy in it, and you know the coal in which it is burnt. This is really, you know, I would say it like someone's taste to explain what is it actually. So this journey got us to explore the real gems of Baripada. Do share the video as much as possible to promote more and more of these Odisha handicrafts. Stay tuned for more such interesting videos in our upcoming blog. Do like, share and subscribe to our channel and click on the bell icon to get notified on our next upcoming videos. Till then, take care and keep exploring.